ऐसा कुछ नहीं है, हमारे वॉशिंग मशीन भी है ऊपर, वो हमने चलाई नहीं है, आलसी हम बहुत बड़े वाले हैं इसलिए। आया समझ में कुछ? हेलो, एक पैंट धो दी तो मेरे कपड़े धोते धोते हैं। बच्चे कपड़े धो के इसमें डाल दिए, ओहो और फैला दो। ओहो ये तो बहुत भारी है, कैसे खींचा जाएगा? गाइस मैंने आपको गुड मॉर्निंग तो करा नहीं, गुड मॉर्निंग कैसे हो आप? आशा करते हैं आप सब लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे। और सुनाइए और बताइए, मैं आपके घर मेहमान आई हूँ। और बताइए, सारे टाइम वीडियो बनाना आपको कैसा लगता है? सारे टाइम अच्छा लगता है। अच्छा लगता है ना? हे नो 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 नो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं कपड़े धो के आ चुकी हूँ और नाश्ता में थोड़ा सा दे रहे थे, सोचा ये मटर खा लेते हैं जो हम कल लाए थे। आपको भी खानी है? तो कल मार्केट गए थे ना, तो साबुन लाना भूल गए, और यहाँ पे आप देखो ना, सिर्फ और सिर्फ 10 रुपए का है। 10 रुपए का है? नहीं, अच्छा ये 15 का है, और ये 10, ये 10 रुपए का है भाई। यहाँ पे 10 रुपए के ये साबुन मिल जाते हैं। एंड यहाँ पे हमारी आ चुकी है मूंग दाल छोला, एंड ये है हरी कली। भैया अश्मी जी ने ना कटोरी में कर दिया, क्योंकि पत्ते में ना भाई जहाँ पे बनती है ना दाल वहीं पे मज़ा आता है, तो ये विशु की है। एंड अश्मी जी तो रोटी के साथ एंजॉय कर रहे हैं, और हैरी ने अपनी दाल फिनिश कर दी अपना आप ही। और एक महाराज जी जो हमारे राजकुमार है ना, वो अभी तक सो के नहीं उठे हैं। हैरी के नए सैंडल, हैरी दा देखो। हैरी सो गाइस, मैं फटाफट से रेडी हो चुकी हूँ, अश्मी जी को खाना दे दिया है, और आज हम मिलवाते हैं आपकी अपनी बुआ से। हमारे वाले को बर्तन मांग रही है, यहाँ पे बुआ बोल रही है कि तुम फटाफट से रेडी हो जाओ, बर्तन में आवाज देती बुआ छोड़ दो मैं कर दूंगी काम है। तो बुआ बोल रही है कि आप खा लो पहले, फिर मैं करूंगी। ए हरी दादी, अपने घर से निकलने के बाद कैसा लग रहा है? तो भाई हैरी की चिट्ठी ले ली बंदर ने, भाई बंदर आराम से खा रहे हैं बैठ के। क्या हुआ? बेटा हम आपसे कह रहे थे ना। सो गाइस, बंदर हैरी की चिट्ठी ले गया, उठा के सारी की सारी। विशु ने हाथ में पकड़ी हुई थी, और बुआ जी ने इतने प्यार से तल के दी थी ना। कैसे लेके आया वो? कैसे ले ली उसने? कैसे ली? हम कैसे? कोई बात नहीं विशु, हमारे पास बहुत सारे, हम सेक की खिलाएंगे। आज ना हनुमान जी का जन्मदिन है, तो हनुमान जी विशु ने दी नहीं, हनुमान जी ने खुद ले ली। देखो वो बैठा है मेरे पीछे। जा रहे हैं हमारी ट्रेन, एंड ये जा रहे हैं विशु विशु के पापा। हमारा ना डी है, और अभी आया है D5, हमारा है D1। सो फाइनली हम पहुंच गए इसमें। So, अभी हम उतर चुके हैं मुरादाबाद, और यहाँ पे वेट कर रहे हैं हम लिफ्ट का। ये हीरो नहीं छोड़ेगा विशु।
आप सूटकेस नहीं छोड़ोगे? चलो 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 लिफ्ट आ गई, चलो विशु चलो जल्दी जल्दी चलो जायजा साथ। आपको कहाँ जाना है? कहाँ पे? वहीं पे। नाम बताओ। मोना बुआ बोलते हैं। मोना बुआ के घर जाना है। है क्या? घर। किसका? इसने अपने बुआ का घर पहचान लिया। कहाँ पे? कहाँ पे? वहाँ पे। अच्छा जी। तो पिछली बार आपको दीदी का घर नहीं दिखाया था, इस बार आपको दीदी का घर दिखा देते हैं। हम किसी के घर में आके ऐसे नहीं चढ़ते। हैरी हैरी देखो मेज में चढ़ गया। मेज में चाय पानी लानी है कि? तो दी के घर आते ही हमें मिल गया है यहाँ पे सबसे पहले ये कोल्ड ड्रिंक, और हैरी हमारे बोल रहे हैं मुझे दे दो मुझे दे दो मुझे दे दो। ओए ओए कैचे कैचे भाई, हैरी का आक्रमण बिस्किट पे और विशु का कोल्ड ड्रिंक पे। कुकी खा लो हैरी, खा लो बिस्किट। नहीं वो नहीं पिएगा अभी। तो बच्चा पार्टी इस ग्राउंड में खेल रहे थे, अभी पूरी की पूरी बच्चा पार्टी चली गई है इस रूम के अंदर। तो भाई बच्चा पार्टी क्या कर रहे हो? ढेर सारी हा? हो गई तुम लोगों की मस्ती? और करनी है? कैसे? आओ सब निकल के बाहर आओ, आओ हैरी आ जाओ। ये 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 लो भाई, हैरी बीच भाई बड़ी खतरनाक तरीके से जा। सो गाइस अभी हम पहुंच चुके हैं अपने ननंद के घर एंड हमने नाश्ता कर लिया है, और आपको एक सरप्राइजिंग न्यूज़ देनी है कि हम करवा रहे हैं हैरी का मुंडन। और मुंडन करवाने के लिए सबसे पहले ज़रूरत पड़ती है बुआ जी की। ठीक है, आपने देखा होगा कि कल मैं मार्केट गई थी तो बुआ जी के हाथों से हमें चाहिए पूरी या फिर रोटी या फिर आटा। ठीक है, उसी में ना बेबी के बाल रखे जाते हैं हमारे यहाँ पे। तो हम बुआ जी के घर पे आ गए हैं एंड शगुन का थोड़ा सा, वैसे तो बुआ जी को कुछ गोल्ड का देना होता है बाल कटाने के उसमें, बट हम थोड़ी सी अपनी तरफ से थोड़ा सा सूट एंड अभी अश्विन जी पैसे दे देंगे जब हम उनसे रोटी आटा कुछ भी लेंगे। एंड हैरी का मुंडन कराने हम जा रहे हैं, कहाँ वो आपको बाद में बताएंगे, बट अभी हम बुआ के घर आए हैं बुआ से बाल उतारने वाला सामान लेने एंड बुआ चली गई हैं। मेरे को पता क्या था, मेरे को ये था मैं दीदी को बताऊंगी एंड उनसे शगुन का थोड़ा सा कुछ ले लेंगे, बट दीदी ने जैसे ही सुना कि भाई मेरे बच्चे का मुंडन हो रहा है, दीदी तो जीजू को लेके मार्केट ही चली गई। और अश्विन जी मेरे पर गुस्सा करने लगे कि दीदी को ना हम निकलते टाइम बताते कि ऐसा ऐसा होना है, और मैंने आते ही बता दिया। तो अभी बज रहे हैं 8 एंड हमें निकलना है यहाँ से रात के 11 बजे। हमारी ट्रेन है, कहाँ की है वो आपको आगे पता चल जाएगा। और बच्चे पार्टी खेल रहे हैं जैसा कि मैंने आपको दिखाया है। दीदी चली गई यार, बिल्कुल भी अच्छा लगा। मेरे से ना सब्र ही नहीं होता है किसी चीज़ के लिए। अश्विन जी ने बोला कि आप अभी ना बता के थोड़ी देर बताते ना तो दीदी मार्केट ही नहीं जाती, तो मेरे दिल में ना बात रुकती नहीं है, मैं बता देती हूँ। और दीदी ने ढेर सारा सा नाश्ता करा दिया, पेट पूरा फुल हो चुका है, और अभी दीदी ने हल्का फुल्का सा खाना भी बना दिया है। तो अभी दीदी मार्केट गए हैं। मैंने दीदी को पहले ही बोला कि छोटा सा लेके आना, मतलब छोटा सा मतलब कॉटन का छोटा सा एक ड्रेस लेके आना, या तो फिर ड्रेस हमारे पास है आप पैसे दे दो 30 रुपये। तो बस दीदी अभी चली गई हैं। और अच्छा, और उनकी पता तबीयत भी ख़राब है बहुत ज़्यादा, अच्छा नहीं लग रहा था उनको देख के। तो बस अभी देखते हैं क्या होता है। तो मैं भी ना थोड़ा सा आराम कर लेती हूँ, पता बैठे बैठे ना ट्रेन में कमर दुख जाती है, और अलग पलक भी नहीं सकते क्योंकि मेरे साथ हैरिस होता है, तो मैं हल्का सा ना लेट जाती हूँ पहले। तो भाई यहाँ पे बुआ जी का मैकअप छेड़ने आ चुका है हैरी।
हैरी हैरी लिपस्टिक लगाओगे? लिपस्टिक हैरी ऐसे कर दो, ई ऐसे करो पहले, ई हाँ लगा लो लगा लो। हैरी ऐसे देखो, ओ वाओ हैरी भैया अपनी बुआ का मेकअप छेड़ रहे हैं यहाँ पे। और दीदी का मिरर देखो ना आप, कितना सुंदर है यार, मुझे बहुत ही सुंदर लगता है दीदी का मिरर ना। आई थिंक ये शादी का ही होगा दीदी की। भाई साहब इसने तो बुआ का फेस पाउडर ही तोड़ दिया। इसमें जी बुआ आएंगे ना बेटे, इतना मारेंगे ना तेरे को। इधर देख अश्विन जी, कौन कैसा आई फेस वॉश, मुझे समझ में नहीं आ रहा, हट जा। तो वही हमारी दीदी मार्केट से आ चुकी हैं, हमारे लिए खट्टी मीठी इमली पता नहीं क्या क्या लेके आए हैं। अश्विन जी आपके लिए क्या है? किसी बात को भी मैनर्स विशु, मैनर्स सीखने सारे मोना दीदी की याद आ रही है, कह रहा मोना दीदी काले स्कूल मैं आप ही करूं चीची। अब वही भाई की पिटाई अच्छी तरीके से मारता नहीं। अरे ये तो कुछ नहीं है, छोटा बच्चा है। आ जा वो इतना बड़ा है, वो पता है आज भी अपनी बुआ को फोन करके शिकायत करता है। ये क्या कह रहा मोना दीदी, यहाँ क्या डिस्कशन हो रहा था आप लोगों का? देखो देखो अब दूसरे रूम में लेके चला गया है बुआ को, पता नहीं क्या क्या। ये स्टडी रूम है पता है फूफा जी का, इधर आ जाओ, यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स रखे हैं, आओ इधर आओ। दीदी को दूसरे कमरे में लेके चला गया है, अब पता नहीं क्या खेलेगा। हाँ आप बुआ के साथ क्या खेलना चाह रहे हो? ग्यारह मेरे साथ खेलोगे? अब आओ बैठो बैठो आओ भाई। ये विशु ना इतना लाडला हो गया अपनी बुआ का, आज एक दो घंटे के लिए मिला है तब ये हाल है, अगर बुआ के साथ रहता तो बस फिर तो पता नहीं क्या ही हो जाना था। देखो लेके चले बुआ को साथ में, साथ में लेके चले। ये है विशु की प्यारी सी बुआ भाई, अजवाइन वाली पूरी। अच्छा दीदी बाद में डाला आपने अजवाइन, है पहले नहीं डाला? अच्छा पहले बुआ का निकालना था, बाद में डाला मैंने मुझे आटा निकालना था। क्रश कर दिया चकला बेलन में अच्छे से क्रश करके, अच्छा स्वाद आता है। अच्छा हाँ आप मुझे बता तो रहे थे वहाँ पे घर पे जल्दी हो जाता है तो उससे सेट भी हो जाता है। और कैसी कल आटे के लिए दीदी बता रही थी ना घर पे मेरे को, मलदे में डाल देना चाहिए। हाँ बिल्कुल डालना चाहिए, अच्छी पूरियां बनती है ना वो, आपको बार बार लगाने वाला। दीदी ने इतनी करारी मतलब अच्छी पूरियां निकाली घर पे, मैं आपको नहीं बता सकती, मतलब वो वाली भाभी और मैं फेल हो गए थे इनके खाने के चक्कर, इनको नहीं मिली। ये क्या है, ये क्या कमी है? तो वही आज आपको दिखाते हैं 11 साल पुराना पर्स, और कितना मतलब मैं वीडियो में इसको ले भी नहीं पा रही हूँ, इतना सुंदर है ना ये। ये ना दीदी की शादी का पर्स है, और दीदी ने आज ना मुझे हैप्पी हो गए इस पर्स को दिखाया, और मुझे ये बहुत ही पसंद लगा, मन कर रहा है मैं ही लेके चली जाऊं दीदी से। नहीं नहीं आप लेके जाना। अच्छा आपकी बहन का इसलिए? नहीं नहीं ओहो ओहो ये आ गए बोलने के लिए, बैग में रख दोगे उसको। अरे मैं पर्स लेती नहीं हूँ ना इसलिए, पर दीदी ने मुझे दिखाया पता, बहुत संभाल के रखा हुआ है, शादी की चीज़ें ऐसी होती है। और ये बहुत कीमती था उस टाइम का, प्राइस दीदी ने बताया 350 रुपये का ही सिर्फ और सिर्फ। अभी, अभी अभी हम जब हमारा बैड खोलेंगे ना, अभी जब हमारा बैड खोलेंगे फिर मैं दिखाऊंगा इनकी शादी का जो पर्स है वो कैसा पड़ा है। हाँ गॉड्स देखो इस आदमी को, ये अपनी बीवी की बेइज्जती करते रहते हैं जब देखो तब। तो गाइस आप बताना ना ये पर्स आपको कैसा लगा, हैरी को भी बहुत क्यूट लग रहा है। हैरी तोड़ना नहीं, बुआ का है बेटा। तो भाई मैंने पॉलिथीन में पैक कर दिया, और मेरे से तो
जो गलती ना हो ना वो गलती हो जाती है, तो फटाफट से इसको रख दो, रख दो रख दो, यहाँ पे रख दो ना दीदी का, दीदी चल। सोया चाप, सैलेड एंड ढेर सारा खाना, और अश्मित जी खाते हुए मुझे पनीर पनीर खाना है। पनीर पनीर खाना है, ठीक है। आपको पनीर पनीर खाना है। अश्मित जी तो खाने भी लगे। कितना मार रहा है बुआ को दिखा दो भैया, ऐसे हो रहा है बुआ का प्यार। हाँ बुआ है, मिल लो बुआ से, पूछी कर दो बुआ को गंदे मुंह से देख रहा है। ओ मेरे बच्चा, ओ ओ ओ लो भाई लो, बुआ ने पैक कर दिया ये हैरी के लिए। भाई ये क्या हो रहा है, इतना नीला नीला। सॉफ्ट हम निकल आए दीदी के घर से, ऑटो में बैठ गए हैं, एंड विशु और हैरी ने खूब मस्ती करी अपनी बुआ के घर। अब यहाँ पे प्यार चल रहा है इनका। तो आप इसको देख के अंदाजा लगाना कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। चलो कृपया